हेलो स्टूडेंट्स बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है देखो अब हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं तो आपका कोर्स तो कंप्लीट हो ही गया है अब धीरे धीरे हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तो देखिए हम लाप्लास ट्रांसफ़ॉर्म से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इंटीगल ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवेल ओपन इंटरवल ए बी एंड के एक्स पी बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड पी वेयर पी इज़ पैरामीटर विच इज रियल और कॉम्प्लेक्स एंड इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स देन द लीनियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज डिनोटेड बाई टी एफ एक्स पी तो किसी भी फंक्शन एफ एक्स का जो लीनियर इंटीगल ट्रांसफॉर्म होता है उसको टी एफ एक्स पी से डिनोट करते हैं ठीक है और यहाँ पर जो लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है वो डिफ़ाइन किस प्रकार से किया जाता है लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को इंटीग्रल इक्वेशन के द्वारा डिफ़ाइन करते हैं और इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी होती है टी एफ एक्स पी इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी के एक्स पी एफ एक्स टी एक्स यहाँ पर जो के एक्स पी है वो क्या कहलाता है कर्नेल कहलाता है इस ट्रांसफॉर्म का जो के एक्स पी होता है वो लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का कर्नेल कहलाता है ओके अब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के कुछ टाइप्स होते हैं जो आपने पढ़े हैं जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हैकल ट्रांसफॉर्म मिलने ट्रांसफॉर्म इस प्रकार से बहुत सारे ट्रांसफॉर्म हैं तो वन बाई वन हम इनको एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है जो रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है मतलब एफ एक्स जो है वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाई एल एफ एक्स पी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो किस प्रकार से डिनोट किया जाता है एल एफ एक्स पी से डिनोट किया जाता है और एल एफ एक्स पी इक्वल टू कितना होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स तो कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा एफ एक्स उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इस सिंबल से डिनोट करेंगे और एल एफ एक्स पी को एफ पी से भी डिनोट किया जाता है एल एफ एक्स पी को किससे डिनोट किया जाता है एफ पी से एफ पी का मतलब है कि फंक्शन एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फंक्शन एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन किस प्रकार से होगा इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स टी एक्स ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट है इसी पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कंडीशन पता होनी चाहिए उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन तो देखिए कुछ फंक्शंस हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप आपको डायरेक्टली ध्यान भी रखने हैं और उनका प्रूफ भी एक बार देख लेना है किस प्रकार से कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करते हैं जैसे एक्स टू पावर एन एक फ़ंक्शन है एक्स टू पावर एन इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना होता है फैक्टोरियल एन अपॉन पी टू पावर एन प्लस वन एक्स टू पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा फैक्टोरियल एन अपॉन पी टू पावर एन प्लस वन यहाँ पर जो एन है वो क्या है नेचुरल नंबर है और एन जीरो भी हो सकता है वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट कैपिटल एन एंड यूनियन सिंगल्टन जीरो ठीक है तो मतलब जब भी एक्स की जो पावर है वो कोई नेचुरल नंबर है तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है फैक्टोरियल एन अपॉन पी टू पावर एन प्लस वन अब यदि एन नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो भी इम्पोर्टेंट है जब एन नेचुरल नंबर नहीं होगा तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है गामा एन प्लस वन अपॉन पी टू पावर एन प्लस वन एक्स टू पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा गामा एन प्लस वन अपॉन पी टू पावर एन प्लस वन अब देखो फैक्टोरियल एन और गामा एन प्लस वन इक्वल होते हैं आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा गामा एंड बीटा फंक्शन तो गामा एन प्लस वन और फैक्टोरियल एन दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है तो एक्स की पावर एन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा इफ एन इज नेचुरल नंबर देन इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय पी टू पावर एन प्लस वन ओके अब देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार एक्स टू पावर एन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे ओके okay. तो x टू पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा सबसे पहले हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे देखो फंक्शन एफ़ एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना होता है इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स टी एक्स अब यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है वो एक फंक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी है एक्स टू पावर एन तो यहाँ पर एफ़ एक्स की वैल्यू कितनी होगी एक्स टू पावर एन होगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू पावर एन इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स एंड हेयर एफ एक्स इज़ एक्स टू पावर एन डी एक्स पार्ट मैथड से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पार्ट मैथड से हम इसको फर्स्ट फंक्शन एजूम कर लेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन आईलेट वाले फॉर्मूले से एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है तो एक्स टू पावर एन एलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एंड ए टू पावर माइनस पी एक्स को सेकेंड फंक्शन अज्यूम करेंगे ओके और बाई पार्ट मेथड से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ए टू पावर माइनस पी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस ई टू पावर माइनस पी एक्स अपॉन पी क्या होगा माइनस ए टू पावर माइनस पी एक्स पी अब इस माइनस को चाहो यहाँ लिख दो यहाँ प्लस कर दो उससे कोई दिक्कत नहीं है तो ए टू पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी इसका इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट क्या पुट करेंगे जीरो टू इनफाइनाइट फिर क्या आएगा साइन साइन कैसा आता है फॉर्मूले में नेगेटिव इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनीटी फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो एक्स टू पावर एन का डिफ्रेंसीशन एन एक्स टू पावर एन माइनस वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए टू पावर माइनस पी एक्स इज़ ए टू पावर माइनस पी एक्स माइनस पी अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट रखेंगे सबसे पहले तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा ए टू पावर माइनस पी एक्स है एक्स की वैल्यू जब इन्फाइनाइट रखेंगे तो यहाँ बनेगा ए टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो कितना हो जाएगा जीरो देखो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर बनेगा इन्फिनी और यहाँ बनेगा जीरो और इन्फाइनइट इंटू जीरो क्या होता है नो डिफाइन होता है तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे और इसको आपने लिमिट सोल्व की होगी देखो इसमें जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इसको कैसे लिख सकते हो लिमिट एक्स की लिमिट कितनी रख रहे हैं इन्फिनी और किस में रख रहे हैं एक्स टू पावर एन ए टू पावर माइनस पी एक्स में तो जब आप यहाँ लिमिट रखोगे तो जीरो इंटू इन्फिनी बनेगा लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे इस लिमिट को तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ज़ीरो ही आएगी सोल्व कैसे करना है आपको देखो या तो इसको इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म में लिख लो ठीक है ई टू पावर पी एक्स को अपॉन में ले आओ किसके एक्स की पावर एन के ऐसे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन गया इसमें डी एल नंबर जो डी एल हॉस्पिटल रूल है वो अप्लाई करके और जब इसको लिमिट को सोल्व करेंगे हम तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी जीरो मिलेगी अपर लिमिट रखने पर और लोअर लिमिट रखने पर तो वैसे जीरो हो रहा है क्योंकि यहाँ जीरो आएगा यहाँ ए टू पावर जीरो आएगा जिसकी वैल्यू वन होती है और जीरो इन टू वन कितना होता है जीरो ही होता है तो बेसिकली यहाँ पर जब हम लिमिट रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें ज़ीरो मिलेगी तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा माइनस और माइनस प्लस एन अपॉन पी क्या है कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा एक्स टू पावर एन माइनस वन ए टू पावर माइनस पी एक्स टी एक्स ठीक है अब इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन अजूम करके बाई पार्ट मेथड से कौन से बाई पार्ट मेथड से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे ज़ीरो टू इन्फिनी फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन एक्स टू पावर एन माइनस वन का डिफ्रेंसीशन क्या होगा एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस टू और ई टू पावर माइनस पी एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई टू पावर माइनस पी एक्स अपोन माइनस पी अब यहाँ पे देखना सेम वही प्रोसीजर रहेगा जब हम यहाँ लिमिट रखेंगे तो यहाँ बनेगा इन्फिनिटी यहाँ बनेगा जीरो इनफाइनाइट इंटू जीरो नोट डिफाइन होगा लेकिन जब इस लिमिट को हम सोल्व करेंगे डीएल हॉस्पिटल से तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या मिलेगी जीरो मिलेगी क्लियर तो यहाँ पर अपर लिमिट रखने पर इसकी वैल्यू जीरो और लोअर लिमिट रखने पर भी क्या होगा जीरो क्योंकि ये जीरो ये ई टू पावर जीरो बनेगा वन तो जीरो इंटू वन इंटू जीरो तो यहाँ इसकी वैल्यू होगी जीरो तो रिजल्ट क्या बना देखो यहाँ पे ये यह माइनस और ये माइनस प्लस हो गया एन माइनस वन अपॉन पी कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्लियर तो देखो यहाँ रिजल्ट ये बनेगा एन इंटू एन माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर इंटीग्रेशन दिस ओके अब इस प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे टू टाइम्स थ्री टाइम्स एंड सिमिलरली एन टाइम्स ओके जब एन टाइम्स हम इसको रिपीट करेंगे तो देखो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास देखो फर्स्ट बार जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर वैल्यू कितनी मिली एन माइनस जीरो सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन किया तो इसके मल्टीप्लाई में कितना आ गया एन माइनस वन इसका मतलब ये हुआ थर्ड टाइम जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा एन माइनस टू फोर्थ टाइम जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में एन माइनस थ्री मतलब जितने टाइम हमने इंटीग्रेशन किया है उससे एक कम नंबर यहाँ पर हमें मिल रहा है फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन किया तो जीरो सेकेंड टाइम किया तो यहाँ वन आया थर्ड टाइम किया तो टू आया फोर्थ टाइम किया तो थ्री आया ऐसे जब हम इसको एन टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा एन माइनस एन से एक कम आएगा एन माइनस वन और एन से एन कैंसिल कितना बचेगा यहाँ पे वन बचेगा इसका मतलब जब हम एन टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिलेगा लास्ट में कितना आएगा वन और ये क्या बन गया ये बन गया फैक्टोरियल एन तो जब हम एंड टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा फैक्टोरियल एन उसके बाद देखो अपॉन में क्या है फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन किया तो अपॉन में क्या है पी सेकंड टाइम किया तो पी स्क्वायर दैट मीन्स थर्ड टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो पी क्यूब बनेगा फिर पी टू पावर फोर और एन टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो पी टू पावर एन ओके फिर इंटीग्रेशन के अंदर देखो ई टू पावर माइनस पी एक्स फर्स्ट टाइम किया था तो भी ई टू पावर माइनस पी एक्स तो इसका मतलब जब एन टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू पावर माइनस पी एक्स एज इट इज रहेगा उसके बाद फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन किया तो एक्स की पावर कितना मिला था एन माइनस वन सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन किया तो एक्स टू पावर एन माइनस टू थर्ड टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू पावर कितना आएगा एन माइनस थ्री दैट मीन्स जब एन टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा एक्स टू पावर एन माइनस एन और ये हो जाएगा ज़ीरो एक्स टू पावर जीरो क्या होगा वन होगा इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना आएगा वन आएगा जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्लियर अब हम ए टू पावर माइनस पी एक्स को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे इसका इंटीग्रेशन हो गया ए टू पावर माइनस पी एक्स माइनस पी लिमिट क्या है जीरो टू इनफिनिटी क्लियर फैक्टोरियल एन अपॉन पी टू पावर एन अपर लिमिट रखा तो कितना आया e टू पावर माइनस इनफिनिटी बनेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी जीरो फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो नेगेटिव साइन आता है और लोअर लिमिट रखेंगे तो एक्स की जगह जीरो तो ई टू पावर माइनस जीरो कितना हो गया वन और अपोन में कितना है माइनस पी तो कितना बनेगा ये तो वन और नीचे माइनस पी तो वन अपोन माइनस पी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये पी इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना फैक्टोरियल एन अपोन पी टू पावर एन प्लस वन फैक्टोरियल एन अपोन पी टू पावर एन प्लस वन ये होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका एक्स टू पावर एन का तो ये आपको फॉर्मूला रिमेंबर रखना है दिमाग में ताकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो इसको अप्लाई कर सको ओके उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है नेक्स्ट फार्मूला इसी से हम नेक्स्ट फार्मूला डेराइव करेंगे टेकिंग एन इक्वल टू जीरो एंड एन इक्वल टू वन अब इस फॉर्मूले में जब हम एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहाँ बनेगा एक्स टू पावर जीरो इसका मतलब वन एक्स टू पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है वन और यहाँ बनेगा फैक्टोरियल जीरो जिसकी वैल्यू वन और यहाँ बनेगा पी टू पावर जीरो प्लस वन दैट मीन्स पी टू पावर वन इसका मतलब ये हुआ कि जो वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना होता है वन अपॉन पी क्लियर सिमिलरली व्हेन वी पुट एन इक्वल टू वन इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एंड एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना होगा वन अपॉन पी स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे जब हम एन की वैल्यू वन रखेंगे तो न्यूमिरेटर में कितना बनेगा फैक्टोरियल वन जिसकी वैल्यू वन और डी में क्या बनेगा पी स्क्वायर तो वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन अपोन पी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन अपोन पी स्क्वायर एंड जनरली एक्स टू पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फैक्टोरियल एन अपोन पी टू पावर एन प्लस वन वन एन इज़ नेचुरल नंबर ओके एंड आफ्टर देन वी फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर ए एक्स देखो ई टू पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा इसका फॉर्मूला होता है वन अपोन पी माइनस ए ई टू पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है वन अपोन पी माइनस ए अब वन अपोन पी माइनस ए कैसे आएगा सेम वही लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से सोल्व होगा e टू पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हमारे पास जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूले में अब एफ़ एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है e टू पावर ए एक्स रखनी है पहले हमने कितनी रखी थी एक्स टू पावर एन अभी इसकी वैल्यू कितनी रखनी है ई टू पावर ए एक्स तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनी ई टू पावर माइनस पी एक्स और एफ एक्स की वैल्यू है ई टू पावर ए एक्स डी एक्स क्लियर यहाँ पे जो ई है वो दोनों मल्टीप्लाई में है बेसिस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी और पावर ऐड होगी तो ये बनेगा e टू पावर माइनस पी एक्स प्लस ए एक्स क्लियर यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लो तो क्या बनेगा पी माइनस ए एंड डी एक्स ओके तो यहाँ पर देखो रिजल्ट क्या बनेगा जीरो टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस ब्रैकेट पी माइनस ए इंटू एक्स डी एक्स अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ए टू पावर माइनस ए एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस ए टू पावर माइनस ए एक्स अपोन ए ठीक है तो यहाँ एक ही जगह कितना है यहाँ एक ही जगह है पी माइनस ए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ए टू पावर माइनस पी माइनस ए इंटू एक्स अपोन माइनस ब्रैकेट पी माइनस ए क्लियर लिमिट रखेंगे जीरो टू इनफाइनाइट अपर लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा ए टू पावर माइनस इन्फिनिटी और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा ए टू पावर जीरो माइनस p माइनस ए कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको लिमिट से बाहर ले लेंगे ये तो बाहर आ गया यहाँ पर लिमिट अप्लाई होगी इस फंक्शन पर इस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई होगी तो x की वैल्यू जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये बनेगा e टू पावर माइनस इन्फिटी जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा e टू पावर माइनस जीरो जिसकी वैल्यू क्या होगी वन इसको सोल्व करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और रिजल्ट मिलेगा वन अपॉन पी माइनस ए तो ई टू पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वन अपॉन पी माइनस ओके अब इसी फॉर्मूले से हम एक दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे ई टू पावर आयोटा ए एक्स देखो ए टू पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिखा वन अपॉन पी माइनस ए तो ई टू पावर आयोटा ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वन अपॉन पी माइनस आयोटा ए यहाँ ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई आयोटा ए हो गई क्लियर तो इसकी वैल्यू होगी वन अपॉन पी माइनस आयोटा ए इसको पी प्लस आयोटा ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो न्यूमरेटर में तो क्या बनेगा पी प्लस आयोटा ए और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा पी माइनस आयोटा ए और p प्लस आयोटा ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्लियर तो ये जो रिजल्ट है ये तो कितना आ गया न्योमिनेटर में पी प्लस आयोटा और डी नोमिनेटर में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे देखिए ई टू पावर आयोटा ए एक्स इसको क्या लिख सकते हैं आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में ई टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो ई टू पावर आयोटा ए एक्स कितना होगा कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स ठीक है अब दो फंक्शन के सम का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो इक्वल होता है दोनों फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सम के ध्यान देना दो फंक्शंस के सम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल होता है दोनों फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सम के इसका मतलब ये दो फंक्शन है दोनों का सम है और दोनों के सम का क्या फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो पहले वाले फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लो और दूसरे वाले फंक्शन का दोनों का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसका सम इसके बराबर होगा तो इस इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए लाप्लास्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए एक्स प्लस आयोटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स ठीक है और अब यहाँ पर रियल और इमेजनरी पार्ट की कंपेयरिंग करेंगे तो कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ए अपोन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्लियर तो यहाँ से अब आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कोस एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्लियर इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए फोर्थ जो प्रॉपर्टी है या फोर्थ जो एलिमेंट्री uh, फंक्शन है साइन हाइप्रोबोलिक एक्स साइन हाइप्रोबोलिक एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना होगा ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसे साइन ए एक्स का हमने देखा था कितना होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है और यहाँ पे हाइप्रोबोलिक में कितना होता है ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो ऐसे आपको ध्यान रखना है रिलेटेड एक दूसरे से रिलेटेड करके आपको ध्यान रखना है ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो अब इसका भी देखो आप साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इसमें और इसको आप सोल्व कीजिए तो जैसे साइन हाइपरबोलिक ए एक्स को हम लिख सकते हैं ई टू पावर ए एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू होता है ई टू पावर एक्स माइनस टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू यहाँ एक्स की जगह कितना है एक्स है तो क्या बनेगा ई टू पावर ए एक्स माइनस ई टू पावर माइनस ए एक्स अपॉन टू क्लियर ओके अब यहाँ से देखिए टू को लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है तो यहाँ रिजल्ट बनेगा वन बाई टू ई टू पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिर साइन कैसा है नेगेटिव और फिर वन बाई टू ई टू पावर माइनस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी भी है जिसका नाम है लीनियरटी प्रॉपर्टी तो यहाँ पर लीनियरटी प्रॉपर्टी अप्लाई की है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और आपको पता तो होगा ही क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं इस चीज़ों को तो ई टू पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम पहले से ज्ञात कर चुके हैं कितना आया था वन अपोन पी माइनस ए तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया वन अपोन पी माइनस ए और इसका हो गया वन अपोन पी प्लस ए क्लियर इसको एल्शियम लेकर सोल्व करेंगे तो एल्शियम कितना आएगा इसमें देखो वन अपॉन्ट टू तो क्या है कॉमन है दोनों में एल्शियम आएगा पी माइनस ए इंटू पी प्लस ए और पी माइनस ए इंटू पी प्लस ए क्या बन गया पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल्शियम को सोल्व करेंगे तो पी प्लस ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा पी माइनस ए इधर तो रिजल्ट क्या बनेगा पी प्लस ए माइनस पी माइनस okay और यहाँ पर जो P है वो कैंसिल हो जाएगा और A प्लस ए कितना हो जाएगा टू ए जो टू ए आएगा उसमें ये टू इस टू से कैंसिल तो न्यूमिरेटर में कितना बचेगा A तो साइन हाइप्रोबोलिक एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना होगा A अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है इसमें इस हाइप्रोबोलिक का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको और बाकी फिर एज इट इज़ है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए जैसे साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का है वैसे कोस हाइपरबोलिक ए एक्स का भी हम लिख सकते हैं कितना होगा पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखो साइन ए एक्स और हाइप्रोबोलिक एक्स दोनों का एक साथ याद करना है आपको साइन ए एक्स का लापलाश ट्रांसफॉर्म तो कितना होता है ए अपोन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाइप्रोबोलिक में कितना हो जाता है ए अपोन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम इसी टाइप से कोस ए एक्स कोस एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड सिमिलरली साइन सॉरी कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब ये आएगा कैसे इसको भी यदि आप प्रूफ करना चाहते हैं तो इसमें आपको कोस हाइपरबोलिक ए एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो फॉर्मूला लिख लीजिए अगर आपको ध्यान नहीं हो तो कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू होता है ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू क्या होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला यहाँ है कोस हाइपरबोलिक ए एक्स तो कितना होगा ई टू पावर ए एक्स प्लस ई टू पावर माइनस ए एक्स अपॉन टू अब इसका ई टू पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वन अपॉन पी माइनस ए ई टू पावर माइनस ए एक्स का कितना होगा वन अपॉन पी प्लस ए जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा पी अपोन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसे साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का किया था सेम उसी टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला है ए टू पावर बी एक्स साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए टू पावर बी एक्स साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ए अपॉन पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ध्यान देना ऊपर तो क्या आएगा न्यूमरेटर में कितना आएगा ए ए का मतलब जो साइन फंक्शन है उसमें एक्स का कोफिशियंट ए अपोन में क्या आएगा पी माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ई टू पावर में जो एक्स का कोफ़िशेंट है वो आएगा यहाँ पर और फिर प्लस में कितना आएगा ए स्क्वायर अब देखो फार्मूला अच्छे से ध्यान होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या है यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है वैल्यू चेंज कैसे हो जाती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू पावर ए एक्स और साइन बी एक्स तो अब आपके पास देखो ए और बी आपस में क्या हो गए इंटरचेंज हो गए अब आपको फॉर्मूला यदि अच्छे से ध्यान नहीं है तो आप ए और बी में कन्फ्यूज़ हो जाओगे आपने तो सिर्फ क्या रेट रखा है ए अपोन पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इसका भी आप क्या लिखोगे सेम यही लिखोगे लेकिन यहाँ क्या होगा देखो यहाँ साइन में एक्स का कोफिशेंट बी है तो यहाँ आएगा बी अपोन पी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ए यहाँ पर क्या है साइन जो फंक्शन है उसमें एक्स का कोफिशेंट और बी क्या है एक्सपोनशियल फंक्शन में एक्स का कोफिशेंट तो इसकी वैल्यू क्या होगी ए अपॉन पी माइनस पी टू होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स ई टू पावर बी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब फाइंड आउट करना बिल्कुल सिंपल है इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए और डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं ये पूरा क्या है एफ़ एक्स है और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनीटी ई टू पावर माइनस पी एक्स और ये क्या हो गया एफ एक्स और डी एक्स अब यहाँ पे देखिए ये ई जो है ये दोनों मल्टीप्लाई में है दोनों का बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी और पावर ऐड होंगी तो क्या बनेगा ई टू पावर माइनस पी एक्स प्लस बी एक्स अब इसमें से ई टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा पी माइनस पी इंटू एक्स और मल्टीप्लाई में कितना है साइन ए एक्स और इसका इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनी ई टू पावर माइनस ब्रैकेट पी माइनस पी एक्स साइन ए एक्स और क्या बन गया डी एक्स अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है ये भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही फार्मूला है और ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है लेकिन यहाँ पर पैरामीटर पी नहीं है यहाँ पैरामीटर कितना है पी माइनस बी है देखो जनरली जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है ई टू पावर माइनस पी एक्स एफ़ एक्स डी एक्स यहाँ एफ़ एक्स तो कितना है साइन ए एक्स लेकिन पी की वैल्यू कितनी है पी माइनस बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स लेकिन पैरामीटर पी की जगह आपको कितना यूज लेना है पी माइनस बी यूज लेना है और साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफ़ॉर्म तो हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं कितना आया था ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेकिन यहाँ पर जो p है उसमें p की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको p माइनस बी पुट करनी है तो क्या बनेगा a अपोन पी स्क्वायर पी की जगह क्या आ गया p माइनस बी प्लस ए स्क्वायर ठीक है तो ये इसका प्रूफ होगा आप इसको आगे देख सकते हैं सबसे पहले ये पावर ऐड हो जाएंगी तो देखो पावर ऐड होंगे तो ये बनेगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो ये क्या बन गया इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ये पूरा क्या हो गया पी और ये हो गया एक्स साइन ए एक्स टी एक्स तो ये साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जिसमें पी की वैल्यू है पी माइनस पी पी की वैल्यू क्या है पी माइनस पी तो साइन एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर चुके हैं उसमें पी की जगह क्या रख दो पी माइनस बी रख दो सिमिलरली ये रिज़ल्ट मिल जाएगा ओके okay. अब सेम इसी टाइप से आप कोस ए एक्स ए टू पावर बी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी फाइंड आउट कर सकते हो अब आपको ये पता होगा कि कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांस देखो हमने इसमें क्या किया इसमें हमने साइन ए एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था उसमें पी की जगह पी माइनस बी रखा तो ऐसे ही अब आपको क्या करना है जो कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसमें भी पी की जगह क्या पुट करना है पी माइनस बी कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो पी की जगह कितना पुट कर दो पी माइनस बी डायरेक्टली देखो प्रूफ तो आप कर ही लोगे डायरेक्टली आपको कैसे ध्यान रखना है साइन ए एक्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या रखना है पी की वैल्यू पी माइनस बी बी का मतलब ई e की पावर में जो एक्स है उसका कोफ़िशेंट कोस एक्स के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पी की जगह पी माइनस बी रखोगे तो क्या मिलेगा ए टू पावर बी एक्स कोस एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट होगा क्लियर यहाँ तक तो ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूले थे अब उसके बाद देखिए इन फॉर्मूलों के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं और प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना बहुत ही कंपलसरी है क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे अब देखो ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान होने चाहिए क्योंकि जब हम और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उनमें जब ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे तो एक तो आप उनका प्रूफ करके और फिर अप्लाई करो एक डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन सोल्व करना इसलिए आपको जो फॉर्मूले हैं वो ध्यान होने चाहिए जो जो फॉर्मूले हैं वो सब एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक्स टू पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फैक्टोरियल एन अपॉन पी टू पावर एन प्लस वन ई टू पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन पी माइनस ए साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसके पश्चात किसका था साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का साइन हाइपरबोलिक ए एक्स का कितना होगा पी अपोन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन हाइप्रोबोलिक में ऊपर क्या था ए तो ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोस हाइपरबोलिक हाइप्रोबोलिक एक्स में कितना होगा पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है तो ये फॉर्मूले आपके पास हैं कोस हाइपरबोलिक में तो क्या आएगा पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन में कितना होगा ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब जो साइन में प्लस वाला साइन था वो माइनस हो जाएगा साइन हाइप्रोबोलिक में ऐसे ही कोस में क्या था p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ हाई में प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस सिमिलरली e टू पावर बी एक्स साइन ए में क्या करना है जो साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें p की वैल्यू p माइनस बी पुट करनी है और कोस ए एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें p की वैल्यू p माइनस बी पुट करनी है रिजल्ट मिल जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट क्या है सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है लीनियरटी प्रॉपर्टी देखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट फाइंड आउट होता है कि अपने पास कोई भी सपोज दो फंक्शन हैं और दोनों फंक्शंस के सम का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है दोनों फंक्शन के सम का क्या फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वल होता है किसके एफ वन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस एफ टू के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऐसे ही तीन चार पाँच छः सात आठ ऐसे बहुत सारे फंक्शनों के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं तो देखो लीनियरटी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है लेट फॉर ऑल आई इक्वल टू वन टू थ्री डॉट एन एफ आई पी आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ आई एक्स जहाँ पर क्या जूम किया है कि जो एफ आई पी है वो एफ आई एक्स का क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है दैट मीन्स एफ वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है कैपिटल एफ वन पी एफ़ टू एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है कैपिटल एफ़ टू पी ऐसे एफ थ्री का एफ़ फोर एफ फाइव तो सी वन एफ वन प्लस माइनस सी टू एफ़ टू प्लस माइनस सी थ्री एफ थ्री एंड सो वन प्लस माइनस सी एन एफ एन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो इक्वल होगा किसके सी वन इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन ये एल वन नहीं आएगा सिर्फ एल है ये वन हटा दो सी वन इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन फिर प्लस माइनस सी टू इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टू एंड सो ऑन प्लस माइनस सी एन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन क्लियर मतलब जो सी वन सी टू सी एन जो यहाँ पर क्या है कॉन्सटेंट राशियाँ हैं यू एयर सी आई आर एनी कॉन्सटेंट ये कॉन्सटेंट जो नंबर हैं ये लाप्लास ऑपरेटर से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा एफ़ वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस माइनस एफ टू का प्लस माइनस एफ थ्री और एफ एन और ये सी वन सी टू सी एन मल्टीप्लाई में होंगे ये होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है और इसी के हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं उसके बाद है चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी या स्केलर प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज़ एफ़ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है तो एफ ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वन अपोन ए एफ पी अपोन ए होगा ठीक है यदि किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है और उस फंक्शन में जो एक्स है वो किसी कॉन्स्टेंट ए से मल्टीप्लाई हो गया तो आपको उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करना है जैसे कि सपोज़ आपके पास ए टू पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है कितना होता है वन अपॉन पी माइनस ए और आपसे ये पूछा जाए कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू पावर ए बी एक्स इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए तो यहाँ पर आपने देखा कि जो एक्स है वो किससे मल्टीप्लाई हो गया बी से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आएगा वन अपॉन बी एफ पी अपॉन बी यही होगा मतलब ये हुआ एफ पी का मतलब ये एफ पी है इसमें पी की जगह कितना रख दो पी अपॉन बी रख दो ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ठीक है तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं जैसे कि साइन एक्स साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा देखो हमने अभी पढ़ा था साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है ए अपोन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ ए की वैल्यू वन है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वन अपोन पी स्क्वायर प्लस वन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए की वैल्यू वन अब आपसे ये पूछे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टू एक्स कितना होगा तो यहाँ एक्स जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो गया टू से मल्टीप्लाई हो गया तो चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी से एक की वैल्यू अब यहाँ कितनी हो गई एक की वैल्यू यहाँ कितनी होगी टू तो चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू कितनी आएगी वन बाई टू एफ़ पी अपो देखो ये है एफ़ पी इसमें पी की जगह कितना रख दो पी अपोने मतलब पी की जगह रख दो पी बाई टू तो पी बाई टू का स्क्वायर प्लस वन इसको सोल्व कर लो ये इसकी वैल्यू होगी ठीक है ये है चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल है आपको पहले भी बता चुके हैं आप एक बार फिर देख सकते हैं इसको इसमें ए एक्स बराबर टी रख देंगे तो ए डी एक्स बराबर डी टी सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये मिलेगी बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ओके थैंक यू